सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे 600 सब्सक्राइबर के लगभग पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में आज आपको बताऊँगा राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो राजस्थान के लोकगीतों में जो प्रमुख प्रमुख लोकगीत हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। पहला है घोड़ला। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद घोड़ला त्यौहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा किया जाने वाला लोकगीत है घोड़ला। उसके बाद में लांगुरिया। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है लांगुरिया। रसिया, धौलपुर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत रसिया कहलाते हैं। आगे आता है राती जागा। राती जागा किसी भी शुभ अवसर पर रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत राती जागा कहलाते हैं। उसके बाद में आता है विछुड़ो। यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक पत्नी बिच्छू के डंक मारने से मरने वाली है तथा वह अपने पति से दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। उसके बाद में आता है गोरबंद। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है जिस पर राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों मरुस्थलीय शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। महिलाओं द्वारा आगे आता है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा गोलाकार आकृति में किया जाने वाला नृत्य है। घूमर कोटा बूंदी जोधपुर में अधिक प्रचलित है। और मैं आपको बताऊं कि घूमर है इसको मारवाड़ में लूर कहते हैं और यह गणगौर के अवसर पर किया जाता है। आगे आता है केसरिया बालम। इस गीत में पति की प्रतीक्षा कर रही नारी का विरह व्यथा का चित्रण है। उसके बाद में आता है ओलू। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है ओलू। हिंडौई यह लोकगीत मारवाड़ में अधिक प्रचलित है। इसे स्त्रियां पानी भरने जाते समय गाती हैं। ध्यान रखना ये बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंडौनी स्त्रियां पानी भरने जाते समय कौन सा गीत गाती हैं, तो वो हिंडौनी। उसके बाद में आता है पावड़ा। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाने वाला गीत है पावड़ा। उसके बाद में सीटड़े, इन्हें गाली गीत ही कहते हैं। भोजन कराते समय बारातियों को मीठी मीठी जो गालियाँ देते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो सीटड़े कहलाते हैं। उसके बाद में आता है हिचकी। किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है ऐसी मान्यता है। उसके बाद में आता है कामन। भर को जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाए जाते हैं। पणिहारी। पणिहारी पानी भरने वाली स्त्री को कहा गया है क्योंकि इसमें स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। आगे आता है हमसीड़ो। उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीड़ो। उसके बाद में आता है ढोला मारू। ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है। इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का विवरण है। और देखो मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। वो पूछे जाते हैं कि भाई मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद किस अवसर पर, होली के त्यौहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत है, तो घोड़ला है। उसके बाद में करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो वो है लांगुरिया। और धौलपुर भरतपुर आदि क्षेत्रों में कौन सा गीत गाया जाता है, क्या कहलाते हैं वो गीत जो गाया जाता है धौलपुर और भरतपुर क्षेत्रों में, रसिया। फिर किसी भी शुभ अवसर पर रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत रति जागा कहलाते हैं। उसके बाद में जैसे बिछड़ू का गया तो बिछड़ू का कैसे पूछा जाएगा कि अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश किस लोकगीत में दिया गया है, तो बिछुड़ो में दिया गया है। आगे आता है कि शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। तो ऊँट के गले का आभूषण होता है जिसमें राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में मरुस्थलीय और शेखावटी क्षेत्रों में इस गीत को गाया जाता है। फिर आता है घूमर के बारे में। तो घूमर के बारे में महिलाओं द्वारा गोलाकार आकृति में जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, या फिर गणगौर के अवसर पर कौन सा महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो घूमर नृत्य किया जाता है। उसके बाद में आता है केसरिया बालम। तो इसके बारे में प्रश्न आएगा कि किस लोकगीत में पति की प्रतीक्षा कर रही नारी की विरह व्यथा का चित्रण है, तो वह है केसरिया बालम।
ओलू किसी की याद में गाए जाने वाले गीत को ओलू कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। ये है घूमर केसरिया भलम, इस गीत में पति की प्रेक्षा करें, ये बता ही दिया मैंने आपको। ओलू किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है। अब उसके बाद में एंडोनी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हमें अब अभी तक हमारा सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो लाभान्वित हो सकें, इनके बारे में पढ़ सकें। और मैं आपको जो ये प्रश्न बताता हूँ, जीके के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी FB ID पे, गूगल प्लस पे, अपनी और किसी सोशल नेटवर्क पर जो आप यूज़ करते हो सब पे इसको शेयर करें, जिससे आपके साथी आपके भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।